नगर पंचायत अनपुरा परिक्षेत्र में अवस्थित ओडी शक्तिनगर राज्य मार्ग के हिस्से एनसीएल ककरी खदान द्वार से ककरी कॉलोनी तक सड़क की दोनों पटरियों पर जमा कोयला धूल मिट्टी की नियमित मैनुअल सफाई हेतु सामाजिक कार्यकर्ता अंकुश दुबे ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सोनभद्र को पत्र प्रेषित किया है। उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि ओडी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर एनसीएल ककरी खदान द्वार से ककरी कॉलोनी तक सड़क की दोनों पटरियों पर भारी मात्रा में कोयला धूल मिट्टी जमा है, जो बरसात के मौसम में कीचड़ का रूप धारण कर लेता है तथा जिससे दुपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार होते हैं तथा अन्य मौसमों में पटरियों पर जमा कोयला धूल मिट्टी उड़ती है, जो वे प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसलिए ओडी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर एनसीएल ककरी खदान द्वार से ककरी कॉलोनी तक सड़क की दोनों पटरियों की मैनुअल व नियमित सफाई कराए जाने हेतु एनसीएल ककरी को निर्देशित किया। सड़क की दोनों पटरियों पर भारी मात्रा में कोयला व धूल का चूर्ण जमा है, जो बरसात के मौसम में कीचड़ का रूप धारण कर ले रहा है तथा दुपहिया वाहन चालक और पैदल चलने वाले नागरिकों के लिए कठिनाइयों का सबब बन रहा है तथा बड़े पैमाने पर दुपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वहीं नगर पंचायत अनपरा के बाहर जो औली शक्तिनगर राजमार्ग का जो हिस्सा पड़ता है, उस हिस्से में भी सड़क की दोनों पटरियों की स्थिति इसी प्रकार है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की कार्ययोजना पर विचार किए जाने हेतु आयोजित बैठक के उपरांत जारी कार्यवृत्त माननीय हरित अधिकरण द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों की पटरियों की नियमित साफ सफाई कराई जाए, उनकी इंटरलॉकिंग वृक्ष से उन्हें सुदृढ़ किया जाए ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। हम लोगों ने भी इस मामले पर अपर जिलाधिकारी को पत्र भेजा है कि नगर पंचायत अंतरा पर क्षेत्र में अवस्थित औड़ी शक्तिनगर राजमार्ग के हिस्से की नियमित मजदूरों के साफ सफाई हेतु महाप्रबंधक ककरी को निर्देश दिया जाए ताकि होने वाली दुर्घटनाओं तथा अन्य मौसमों में कोयले व धूल के कारण हो रहे वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जाए।